आप अपनी नवविवाहिता पत्नी की मांग में सिंदूर भरिए। पूजा समाप्त हुई। माता रानी की कृपा से पूजा तो अच्छी तरह संपन्न हो गई। अब थोड़ी देर में प्रसाद भी मिल जाएगा। आइका, मेरा ना बाहर जाके होली खेलने का दिल कर रहा है, तो मेरा बैग अपने पास रखोगे प्लीज? इसमें ना 25,000 रुपए हैं, अपने पास रखो ना प्लीज। जी भाभी, थैंक यू। लो जी, या तो सबने होली खेलनी भी शुरू कर दी। आओ आओ। सिमर का फोन है, हम अभी बात करके आते हैं। हाँ, लेकिन जल्दी आना। जी। हेलो सिमर, हैप्पी होली। तुम्हें भी होली की बहुत बधाई हो। सॉरी हम लोग तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाए। शादी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे हम लोग तो कब से माता रानी से प्रार्थना कर रहे थे कि तुम और रजत जी एक हो जाओ। थैंक यू। शादी पे नहीं आ पाई तो क्या हुआ, लेकिन आज आपको होली पार्टी में जरूर आना पड़ेगा। हाँ, वो मिंती आंटी का फोन आया था, चिंता मत करो, हम लोग बस निकल ही रहे हैं। अनुष्का, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वैसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ, बताइए ना। घर पे सब ठीक तो है ना? नहीं, यहाँ फोन पर नहीं। मैं मिलकर ही बताती हूँ, बस इतना समझ लो बात थोड़ी जरूरी है। हाँ, मैं आकर मिलती हूँ। ठीक है। अनु, यू कैरी ऑन, हम बाद में मिलते हैं। बाय। जी, बाय। अरे क्या कर रहे हैं आप? अपनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। कौन सी? अपनी बीवी को रंग लगाने की। वैसे और कोई ख्वाहिश तो नहीं है ना, जो इतनी सीधी सादी ना हो। ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं तुम, पास में नहीं आने दे रही हो। नहीं आने देंगे। क्यों भला? हमने आपसे कहा था ये वाला स्टॉल पहनी, और आपने कौन सा पहना? ये। मानी आपने हमारी बात? बस इतनी सी बात है, ये लो। अब हम अपनी बीवी की चॉइस का स्टॉल पहनेंगे। ओके? अच्छा लग रहा है। अब तो रंग लगाने दो। पापा पापा, अरे वीर आप कब आए? थोड़ी ढोल। एक मिनट, तभी जब तुम मुझसे टकराई। ओ इधर आ। होली आती होली। ओ जी सुनो, रोली और सिमर अपने परिवार के साथ आ गए। प्रिंस साहब जाओ ना, उनका तगड़ा स्वागत करो। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ। मुबारक आपको और आपको रजत की शादी की भी बहुत बधाई। हैप्पी होली, हैप्पी होली।
क्या बात है सिमर, आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए थी ना? सब ठीक तो है ना? नहीं अनुष्का, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम जानती हो वो कौन है? सिमर, आप ये कैसा सवाल पूछ रही है? वो तो आपकी बहन है रोली। नहीं, वो मेरी बहन नहीं है। मतलब मंदिर के पीछे वाले लाल दरवाजे का राज, एक राज ही रहने दीजिए। अनुष्का, मुझे अगर उस लाल दरवाजे की चाबी मिल गई ना, तो मैं अपनी रोली तक पहुंच पाऊंगी। और वो चाबी इसके चाबियों के गुच्छे में है, वो देखो, वो सुनहरे रंग की। अनुष्का, अपनी बहन को बचाने के लिए मुझे किसी भी हाल में वो चाबी हासिल करनी है अनुष्का, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हम आपकी मदद करेंगे। आपके यहाँ से जाने से पहले वो चाबी आपके पास होगी। ये हम आपसे वादा करते हैं। और हम भी, हाँ, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। वो चाबी हासिल करने में हम भी तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू। अब मुझे यकीन है ये काम पूरा होकर ही रहेगा, और मैं अपनी रोली को भी बचा लूंगी। यही होता है बहनों का प्यार, साथ मिलते ही एक उम्मीद भी आ जाती है। काश इन शास्त्री सिस्टर्स का कहना सच निकले, काश ये फंक्शन खत्म होने तक वो चाबी मेरे हाथ लग जाए। अभी मैं वो लाल दरवाजा खोलकर अपनी रोली को आजाद करवा पाऊंगी। हे माता रानी, प्यार और रंगों का ये त्योहार रोली के बिना बेरंग है। कुछ भी करके मुझे आज मेरी रोली से मिलवा दीजिए। हेलो, संदूक मिला कि नहीं मिला? जी मिल गया, मिल गया। पर मेम साहब, संदूक लेके आना कहाँ है? अमर और कैलेंडर मेरे पीछे लगे हुए हैं। अमर और कैलेंडर, जितनी जल्दी हो सके लाजपत वाले सरीन अंकल के यहाँ पे होली पार्टी चल रही, वहां पर आ जाओ। जी ठीक है। सिमर दीदी, मुझे मेरा संदूक यानी आपकी ढाल तो मिल गई, अब आपको और आपकी बहन को मुझसे कौन बचाएगा? समर, वो भीम जी, बात क्या है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? समर, क्या हुआ? हम यहाँ पर होली खेलने आए और आप हैं कि रूखी बातें करके होली मना रही हैं। ये क्या कर रही हैं दीदी? क्या हुआ? कोई परेशानी है? ओह, लगता है कि आप किसी अपने को मिस कर रही हैं। अपने से याद आया कि कुछ ही देर में मुझे मेरा संदूक मिल जाएगा। हे माता रानी, ये क्या हो गया? वो संदूक इसके हाथ कैसे लग गया? क्या हुआ? आपके चेहरे का तो रंग बिल्कुल ही उतर गया। अरे, मुझे तो लगा था कि ये खबर सुनकर आप बहुत खुश होंगे। अब चलिए छोड़िए, जितनी खुशियां मनानी है मना लीजिए दी, क्योंकि एक बार मेरा संदूक हाथ लग जाए उसके बाद पता नहीं आपको फिर दोबारा मौका कब मिलेगा खुशियां मनाने।
ओए बेटा, वो ऐसे अगर अलग अलग ग्रुप्स में खड़ा होना था तो इतनी बड़ी होली पार्टी अरेंज करने का क्या फायदा? देखिए ना अंकल, मैं दीदी से कब से यही कह रही हूँ, पर ये है कि चुपचाप यहाँ पर खड़ी हुई। चलिए ना दीदी। ओ बेटा, सब ठीक है ना? जी अंकल, सब ठीक है। आप चलिए ना, हम बस आते हैं। और रोली, तू मना होली, पर जरा होली होली है। जी अंकल। और पानी ऐसे ना। चलिए ना दीदी, होली खेलते हैं। भाई, आज तो मैं जी भर के होली खेलूंगी। वो भी लाल रंग। सिमा, आप चिंता मत कीजिए, आप इस नागिन से चाबी लेने की कोशिश कीजिए, संदूक में संभाल लूंगा। अरे भाई और उनकी बहनों, बाकी सबको छोड़ो, इस बंदे पे जरा ध्यान दो। क्या है कि बड़े बुजुर्ग कह गए कि कई नाम ऐसे होते हैं जो साथ में लेने चाहिए, अलग लो तो मजा ही नहीं आता, जैसे मिंटी आंटी, सरीन अंकल, अनु और रजत। हमारी सुंदर सी सिमर और प्यारी सी रोली और भांग का एक ग्लास और रंग बिरंगी होली। तो ऐसा है यार, भांग का काउंटर खुल गया है, आओ और फरमाओ। आ जाओ। लो, पी लो। दिल तो तुम्हारा भी कर रहा होगा। ओ, ईगो प्रॉब्लम। ओ हेलो, हमारा जो दिल करता है ना, वो हम कर ही लेते, फिर हम किसी ईगो की नहीं सुनते, और ना ही किसी ऐसे इंसान की जो सुबह से ईगो के मारे हमसे बात ना कर रहा। थैंक यू सो मच। जब बात नहीं कर रहा था तो टशन दिखा रही थी, अब बात कर रहा हूं तो प्रॉब्लम है। चाहती क्या है ये? वेटर बनके सरीन की होली पार्टी में संदूक लेकर घुस तो गया, पर ये मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही। आए, रुको आए। ये क्या, दो ही ग्लास? जा और ग्लास लेके आ। ओए, और दूसरों को पिलाने से पहले खुद पी लिया क्या? क्या और सुना नहीं तूने? चल, मैं भी टगे कट्ठे की। मिंटी आंटी, हाँ, जब इरादे नहीं को ना तो भगवान भी साथ देता है। पहले वीर का एक्सीडेंट हो गया, अब देखो इस पार्टी में क्या है, भांग भी है, सारे सिम्टम्स हैं कि हमारा प्लान हिट होने वाला है। तो डाल दो भांग? अरे पूछ क्या रही हो, हाँ डाल दो, बुरा काम करने के पहले ना सोचा नहीं करते। अब बेटा, भाई इधर आइए, आइए। हाँ, वो जो मैडम उधर खड़ी है ना, लाल दुपट्टे में, उन्हें कहना कि किसी स्पेशल बंदे ने दिया। हाँ भाई साहब, जो संदूक अब तक हमारी ढाल बने हुए था
वो अब इस पार्टी में आ चुका है। इससे पहले कि वो उस बहरूपिये के हाथ लगे, हमें कुछ भी करके उससे वो चाबी हासिल करनी होगी। अब क्या करें? अब हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम रोली को भांग पिला दे। अगर उसे नशा हो जाएगा ना तो हम चाबी आसानी से ले सकते। आई नो की आइडिया थोड़ा टेढ़ा है, पर सिचुएशन भी तो ऐसी है। देखो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सिमर, हमें भी यही सही लगता है। ठीक है तो चलो सिमर भांग ले लेते हैं। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपके लिए, आपके किसी खास की तरफ से, और ये भी है। थैंक यू। वेलकम मैम। ये ड्रिंक मैंने खास सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। सोच लो ठंडाई और दूध के साथ एक खास चीज भी डाली, मेरा प्यार। अरे इधर उधर क्या देख रही है, पीना जल्दी से। ये प्यार भेजने वाले कोई और नहीं, रजत ही हो सकता है। सुबह हम उनके हाथ में नहीं आए ना, तो इसीलिए अब वो दूर से नजर रख रहे हैं हम पे। क्या सोच रही है अनु? पीले पीले पी। हेलो अगेन। अब अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक ही घर में है ना शादी करके? ना मजा आता होगा ना, ऐसी फीलिंग ही नहीं आती होगी कि अपने ससुराल में हो। ऐसे लगता होगा जैसे अभी भी अपने पापा के यहाँ हो, है ना? हाँ वाकई दीदी के साथ बहुत मजा आता है। अरे तो चलो होली मनाते हैं, और अगर मनानी है तो पूरी अच्छी तरीके से मनाते हैं ना। चलो भांग पीते हैं। भांग? हाँ। नहीं मैं भांग नहीं पीती। अरे तो हम कौन सा रोज भांग चढ़ा के हल्ला मचाते हैं? आज होली है, और पता है हमने ऐसा सुना है अगर होली वाले दिन भांग ना पियो ना तो शंकर जी ना पाप चढ़ाते हैं। और ये कहाँ सुना आपने? वो टीवी चैनल पे आते ना भजन भगवान वाले चैनल, उस पे कह रहे थे। इसलिए हम तो पियेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि शंकर जी हमसे नाराज हो जाए। अगर शंकर जी के नाराज होने की बात है तो फिर मैं मना नहीं कर सकती, फिर मैं पी लूंगी। हम भी लोगों से काम करवाने के लिए पता नहीं क्या क्या ज्ञान झाड़ देते हैं। अभी तक गई नहीं भांग? अब हम अभी लाते हैं, ठीक है? ओके ये लो भांग। Cheers. Cheers. Pew, pew. जब मैंने कहा था तब तो नहीं पी रही थी, और अब सीधा बॉटम सब एक बारी में पूरा ग्लास पी गई। बहुत हो गया, अब तो इससे बात करनी पड़ेगी। अबे क्या हुआ, लेना तो खुद तू भी पी लेना। ले मन नहीं है। तिव्यानी अपने हाथों से पिलाएगी तभी पिएगा क्या? लेना। क्या हुआ? आज के बाद मुझे उसके नाम से मत चढ़ाना, पचकाना लगता है मुझे।
यार, ये तो खत्म हो गया। बहुत टेस्टी था पर। टेस्टी तो ठीक है, पर इसका असर कितना अच्छा है ना। हमें ऐसे लग रहा है जैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी परेशानी हमसे दूर हो रही है। तो एक काम करते, थोड़ी सी और पी लेते, सारी परेशानियां और दूर हो जाएंगी। नहीं हाँ चलो फिर, चलो साथ। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? सब लोग नाच गा रहे हैं, जाओ तुम भी जाओ। आखिर तुम्हारी और अलका की भी तो ये पहली होली है, जाओ। नहीं माँ, आप लोग जाइए, मेरा दिल नहीं कर। आधा काम इस भांग ने कर दिया है और बाकी का आधा काम अब हमें करना है। अनु और वीर को साथ में डांस करवा देते हैं और रजत को कहीं दूर ले जाते हैं जहां से ये दोनों डांस करते हुए साफ साफ दिखाई दे। सिर्फ डांस ही नहीं, इन दोनों की दोस्ती, इनकी करीबी, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। रजत कहाँ चला गया? वीर भी दिखाई नहीं दे रहा। यन्नु तो अकेले झल्लियों की तरह लगी हुई है। हमको भी। अरे रुक रुक, भीड़ कितनी है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। आ जाओ। हाँ ले लेंगे लेंगे, भाग भाग जाते हैं, वापस आते हैं, ठीक है? हाँ आ जाओ। बाय। सुनो ना, तुम कुछ मिठाई वगैरह कुछ खाओगी? जलेबी, लड्डू, हाँ वो नहीं? अच्छा अच्छा, चलो फिर वो देखो भीड़ कब होगी। अच्छा फट गया। I'm so sorry. नहीं नहीं कोई नहीं। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं? अरे पर अब तुम कैसे जाओगी? एक काम करो, अब हमारे साथ हमारे कमरे में चलो, हम आपको बहुत सुंदर ड्रेस देंगे, आ जाओ। अरे नहीं कोई नहीं चलेगा, भांग भांग। ऐसे मत कहिए, अगर आप ऐसे कहेंगी ना हमें लगेगा कि आप अभी भी हमसे गुस्सा हो, आपने हमें माफ नहीं किया। नहीं माफ किया, बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो चलो हमारे साथ। ये दो और ये ना हार्ट टू हार्ट, ये से डफू कवर कर लो, कवर। हाँ। कोई नहीं देखेगा। चल
थैंक्स, आप लोगों ने हमारा बहुत बड़ा काम किया। उसके लिए 50-50 नहीं 100-100 थैंक्स। बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो मेरी मदद करने वालों को हमेशा थैंक्स कहता था, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स वीर, तुम लोगों ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आज। यू आर वेलकम प्रेम, और भी किसी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज बताना। चलो यार, संदूक तो मिल गया, अंदर चले। कैलेंडर। समझ गया बॉस। एम्स आपको फोन करके बताना होगा कि संदूक हाथ से निकल गया। कम्बक मोबाइल, लगता है वहीं कहीं गिर गया। अब क्या करूं? मिंटी आंटी, आपकी बहू बिल्कुल टल्ली हो गई है। जिस दिन से ये शास्त्री सिस्टर्स मेरे घर में आई हैं, मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि इस अनुष्का की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। चल। मिंटी आंटी और आस्था भाभी, ये लोग अनुष्का के साथ ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे उसकी जिंदगी बदल कर रह जाएगी? नहीं नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो दोनों बहनें मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, मैं उनके साथ इस तरह गलत होता हुआ नहीं देख सकती। मुझे जाकर अनुष्का को बताना होगा। सीमा, हमें संदूक मिल गया। क्या? कैसे? कहाँ? वो वर्मा संदूक को लेके पार्टी में आया था और रजत वीर की मदद से वो संदूक हमें मिल गया। बस अब आप चाबी ढूंढने की कोशिश कीजिए। माता रानी का लाख लाख शुक्रिया। देखिए ना, यहाँ रजत और वीर की मदद से आपको संदूक मिल गया और वहाँ दिव्यानी और अनुष्का पूरी तरह से मेरा साथ दे रही है चाबी हासिल करने में। एक मिनट में अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हैं? जो लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, उनकी आने वाली जिंदगी में जो मुश्किल उन पर आने वाली, उन्हें उससे आगाह करने। एक्सक्यूज़ मी मैम, ये आपके लिए। हमारे लिए? जी। गॉट एक होली तुमने सबके साथ मनाई है, एक मेरे साथ अकेले भी मना लो। इतना हक तो बनता है ना मेरा। इंतजार कर रहा हूँ हमारे कमरे में, जब जरा तरस आए तो चले आना। ये रजत भी ना क्या पहले बुझाते रहते हैं। अनुष्का, अनुष्का बेटे, सुन, ले गुजिया खा ले। अंकल बस दो मिनट, मुझे बहुत जरूरी काम। और होली वाले दिन गुजिया खाने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है बेटे? बस दो दो मिनट में आई अंकल। यार मैं गुजिया स्पेशल सोनीपत से लेके आया हूँ तेरे लिए और तू खा नहीं रही यार, खा ले। मैंने तेरे लिए और भी बड़ी अलग अलग वैरायटी की मिठाई लेके आया हूँ, सारी एक एक करके चखियो और मेरे को रिपोर्ट दियो कैसी बनी। ठीक है, तू इधर रुक, मैं लेके आता हूँ। हेलो शमशेर। अरे कहाँ चली गई? क्या लगता है मिंटी आंटी, वीर जाएगा? जिस लड़की से सच्चा वाला प्यार किया, उस लड़की के बुलाने पर वो नहीं जाएगा? हो ही नहीं सकता, वीर जाएगा। ये दोनों आखिर करना क्या चाह रही हैं? वीर की तरफ क्यों देख जा रही? मेरे लिए किसने दी? अच्छा कोई बात नहीं, वीर प्लीज हमें हमारे कमरे में आके मिलिए,
जरूरी काम है, जल्दी आइए। अनु, ये तो कोई चिट्ठी लग रही है। अनु, चिट भिजवा के क्यों बुलवा रही है? ऐसा क्या काम हो सकता? तो एक काम कर, तू वीर के पीछे जा, तब तक मैं इस ड्रामे के लिए दर्शक ढूंढ कर लाती हूँ, यानी कि अनुष्का के प्यार में पागल मेरा बेटा। जा। यहाँ नहीं है। इसे चेंज कर। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ये अपना सारा सामान निकाल के रख दो, वरना बाथरूम में घूम जाएगा ना। बाकी आराम से चेंज करना। आराम से, आराम से। इसमें नहीं है। अगर चाबी अपने साथ ही ले जानी थी तो ये सब क्यों यहां रख गई? फालतू में हमें टेंशन देने के लिए यहां रख गई। हमें तो ऐसे लगता था कि सिर्फ हम ही स्मार्ट है, तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। संभल के देखो, तुम इस ड्रेस को पहन के कितनी अच्छी लगी हो। अभी तुम देखना, आज जब तुम जाओगी ना तो सब तुम ही को देखते रह जाएंगे। चलो चलो। हाँ, बोलिए। हाँ, चाबी अगर इसके सामान के साथ नहीं है तो फिर चाबी है कहाँ? रजत कहाँ है? बड़ी बड़ी बातें करके रोमांटिक रोमांटिक चिट्ठियां लिख के हमें यहाँ पे बुला ले, और देखो खुद ही गायब है। एक काम करते हैं, हम उन्हें फोन करके बुला। फोन? फोन कहाँ है? अरे हमें तो कुछ नंबर ही नहीं दिख रहा है, डायल क्या करेंगे? रजत कहाँ है आप? जल्दी से आइए ना। सकती हो क्या? सॉरी भाभी, वो मैं ना किसी जरूरी काम से जा रही थी, बहुत जल्दी में हूं इसलिए सॉरी। कहां गया? यहीं तो था। आजकल भी कोई होली होती है? होली होती थी हमारे जमाने में, हम बंदे पे पिचकारी नहीं मारते थे, बंदा उठा के पिचकारी पे मारते थे। Thank God Dad, हम आपके जमाने के नहीं है। Excuse me जी, क्या मैं अपने बेटे से दो मिनट बात कर सकती हूँ? क्या काम है मॉम?
अरे चल तो सही, बताती हूँ चल। जरूरी काम ये करे और हम गेस्टों का ख्याल रखें। तू चल तो सही। अरे बट मॉम ऐसा क्या काम आ गया, वहाँ इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं। यार घर वालों ने आखिर मचाई हुई है तुझे गेस्टों की पड़ी है। जो चीज मैं तुझे दिखाने जा रही हूँ ना, वो किसी भी गेस्ट से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये अनु कौन से कमरे में गई होगी, लेफ्ट वाले कमरे में या राइट वाले कमरे में? राइट में देखते। ये इस रूम में नहीं है तो जरूर लेफ्ट वाले कमरे में होगा, वहां जाके देखती हूँ। हम अचानक से मुझे पार्टी से क्यों ले आए, वहाँ इतने सारे मेहमान हैं। तो चल तो सही। और यहाँ मुझे ऊपर क्यों ले आए हो आप, यहाँ अनु के घर पे? बताओ तो सही। ये बात बताने वाली नहीं है, दिखाने वाली है। रजत ने यहाँ पे देख लिया मुझे तो सिर्फ पता चल जाएगा सारी मेरी प्लानिंग है। वैसे भी मेरी रेपुटेशन ठीक नहीं है। चुप जा। अभी अपनी आंखों से देखना तेरी अनु की हालत। अनु, अनु। पर अनु को हुआ क्या? वो मैंने कहा ना दो मिनट सब्र कर, सब पता लग जाएगा। अनु, ये बाहर क्यों नहीं आ रही, अंदर क्या कर रही है? अनुष्का, आओ अनुष्का आओ। लो क्या हुआ आप बताओ। तू अंदर अकेली थी? हाँ हम तो यहाँ पे अकेले हैं। पक्का तेरे साथ कमरे में कोई नहीं था? नहीं। क्या हुआ मॉम? एक मिनट, हाँ मैं अभी आई। ये वीर कहाँ गया? मैंने तो यहीं पे आते हुए देखा था, गायब कहाँ हो गया ये? से तो यहाँ होना चाहिए था। मॉम, हम किसे ढूंढ रहे हो आप? क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अनु तुम ऊपर क्यों आ गई? हम तो यहाँ पे कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आपने हमें चिट भेजी थी ना, तो कहाँ थे आप? चिट? कौन सी चिट? मुझे तो मॉम यहाँ पर लेकर आई है। अब भाई का क्यों मजा है? मिंटी आंटी तो फंस गई, क्या करेंगी ये? हाँ वो तो मैंने तुझे इस तरफ आते देखा तो मुझे लगा शायद तुझे रजत की जरूरत होगी, अब शायद तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं सबके बीच में से इसे खींचती हुई यहाँ ले आई हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब है? जी वो थोड़ा चक्कर आ रहा था। हाँ देखा, हम नीचे चलते हैं। पक्का? जी तो ठीक है ना, चले। चल बेटा चल। क्या करूं, अनुष्का को ये सच बताऊं या नहीं? अगर आज मैं ना होती और मैं सही समय पर जाकर वीर को नहीं रोकती तो न जाने क्या हो जाता।
एक ही नहीं चल सकती हो क्या? सॉरी भाभी, वो मैंने किसी जरूरी काम से जा रही थी, बहुत जल्दी में हूँ इसलिए सॉरी। नहीं रुकिए, माफ कीजिएगा, वो बात यह है कि जो चिट आपको मिल गई दरअसल वो आपके लिए नहीं रजत के लिए थी, गलती से वेटर ने आपको दे दी। वो नोट रजत के लिए था? जी। नाउ इट मेक्स सेंस, अब ठीक है, थैंक यू। नहीं, जिस सच से अनुष्का की खुशियां बिखर सकती हैं, उसका परिवार टूट सकता है, वो उसे ना बताना ही ठीक है, लेकिन मुझे जाने से पहले उससे एक बार बात करनी चाहिए। क्या बात है सिमर, आपको हमसे क्या बात करनी थी? अनुष्का, मुझे तुमसे तुम्हारे और रजत के रिश्ते के बारे में कुछ बात करनी है। हमारे रिश्ते के बारे में क्या? जो चीज हमारे लिए सबसे प्यारी होती है उसे नजर भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा लगती है, और जहां तक मैं समझती हूँ तुम्हारा और रजत का रिश्ता तुम्हारे लिए भी बहुत खास है, बहुत प्यारा है ना? हाँ, पर अनुष्का, इस रिश्ते पर नजर लगने का खतरा हमेशा बना रहेगा, इसे संभाल कर रखना, सबकी बुरी नजर से बचा कर रखना। सिमर, आप ये क्या कह रही हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त बस इतना समझ लो कि किसी पर आसानी से भरोसा मत करना, खासकर अगर बात तुम्हारे और रजत के बीच के रिश्ते की हो। जी। अरे कहाँ हो तुम दोनों? चाबी मिली? नहीं, हमने उसे भांग पिला दी, खुद पी ली, फिर भी चाबी नहीं मिली। क्या? हाँ, गुच्छा भी हमारे हाथ में आ गया था पर उसमें चाबी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? एक बात तो तय है कि चाबी उसी के पास है, लेकिन अगर गुच्छे में नहीं है तो कहाँ हो सकती? वो रही चाबी उसके जूड़े में। जूड़े से निकालेंगे कैसे? एक सेकंड, जाओ सबको डांस के लिए बुला लो।
कल यहाँ आने से पहले समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये चाबी कैसे हासिल करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज का पूरा यकीन था कि इस चाबी को हासिल करने में तुम मेरी मदद जरूर करोगी, क्योंकि तुमसे बेहतर ये कौन जानेगा कि अपनी बहन से दूर होने का दर्द क्या होता। थैंक यू, अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं देती तो ये मुमकिन नहीं होता। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए समय, हो सकता है कि कोई मुश्किल हो जो हमारे और रजत के रिश्ते में आने वाली, जो सिर्फ आपकी दी हुई सलाह की वजह से टल जाए। शंकर जी करे, आपकी बहन बहुत जल्द उस बहरूपी के कैद से आजाद हो जाए। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा और रजत का साथ यूं ही बना रहे। बस एक बात ध्यान में रखना, कभी मन में कोई भी शक आए ना, कोई भी सवाल उठे, तो उसका जवाब खुद मत देना और उसे पूछ लेना। किसी भी तरह का वहम मन में मत पालना। अब मुझे जल्दी से चलना चाहिए, इससे पहले कि उसे ये एहसास हो कि ये लाल दरवाजे की चाबी मेरे पास आ चुकी है। मुझे यहां से निकलना होगा। अनुष्का बिना बाकी लोगों से मिले जा रही, प्लीज कोई कुछ कहे तो प्लीज संभाल लेना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पे सब संभाल लेंगे, आप जाइए। क्या हुआ प्रेम जी? ये चाबी हमें मिल गई। प्रेम जी फिलहाल आप जल्दी चलिए, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। चलिए। All the best. Thank you. Thank you.